हेलो, तो हो गई है सुबह और मैं नहा के रेडी हो रही हूँ। बच्चे लोग मेरे सो रहे हैं और हम आज जा रहे हैं सफारी पे, तो नहीं लेकिन आसपास की चीज़ें देखने के लिए, सफारी जैसे ही फीलिंग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो चलती हूँ फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, हम चल रहे हैं बाहर घूमे घूमे। बंद हो गया, मूव भी नहीं कर रहा है। देखिए हम सब चल रहे हैं घूमे घूमे। ये बच्चा, बारिश हो रही है क्या? देखो सब रेडी होके आ गए। ये व्हाट बेटा? दैट इज नॉट नाइट, दैट इज सन। पूरा होता हूँ। अरे बात तो एक ही है ना, आपको जीप हुए, जीप और कैमरे से मतलब थी। अब जंगल में कहाँ जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं था ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ बैठेंगे भाई साहब? फिर हम लोग जीप में बैठ गए हैं, ड्राइवर भैया और गाइड चल रहे हैं हमको जंगल घुमाने के लिए। जंगल के रास्तों से लेके चलेंगे। बारिश हुआ है तभी तो मड वाला पानी आ रहा है। हम ऊपर चढ़ी जा रहे हैं। ये मेरे बच्चे दोनों अच्छा दिख रहा है। ऊपर करो, काफी हाइट पे आ गए हैं सफारी। इतनी हाइट पे आ गए बादल भी नीचे रह गया। बादल भी नीचे रह गया है, इतनी हाइट पे आ गए। दिखाओ ना वीडियो में। और ये विधु है, देख रहे हैं दोनों। और ये दोनों यहाँ है, देखिए देखिए कैमरे में देखिए। वर्टिकल पेड़ देखिए। ये हाँ बिल्कुल, क्या सुंदर व्यू है। हम जंगलों से चलते चलते ऊपर आ गए हैं, हम पहुंच गए हैं हिमालय पॉइंट पे। यहाँ से ना हिमालय पर्वत की चोटियाँ दिखती हैं, और अभी तो बारिश का टाइम है ना इसलिए धुंध हो गया, दिख नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ से दिखती हैं।
इतने हाइट पे हम लोग यहाँ पर आए हो। टावर ब्रिज और पूरा उधर भी देखो लास्ट उधर भी टावर है। पूरा हिमालय पूरा हिमालय नेचुरली जो पेड़ पौधे पक्षियाँ उसकी फोटो लेके उस पेंटिंग करके उसमें दिखाते हैं कि जैसे आता ना हमारे जोरहट में या वाइल्ड लाइफ में हाँ। ये वहाँ वहाँ डालते हैं लोग ये हम लोग इतनी हाइट पे हैं ये शाल के पेड़ जो यहाँ छोटे हो गए और फिर हमें यहाँ पे रुके 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और यहाँ पर सनलाइट आ गई। ट्रक है आ रही है ये हम आगे जा रहे हैं। अब हम बैठने जा रहे हैं पकड़ लो इसको तो मैं बैठ जाऊं पीली मिट्टी यार। देखो पीड़ो क्या होता है तालाब होता है तालाब होता है उस तालाब में जो पानी रहता है जो पानी जब सूख जाता है उसकी जो मिट्टी निकलती है वो मिट्टी तो चिकनी हो जाती है उसी से घर भर घर भर की लिपाई मैं ऐसे जंगल में ना पहली बार आ रही हूँ तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखी कि जो साल के पेड़ हैं वो नीचे ज़मीन पे ना बहुत लंबे लंबे हैं लेकिन यहाँ पर हम हाइट पे आने के बाद ना ये छोटे हो जा रहे हैं। तो ड्राइवर भैया ने बताया कि ये ना ऐसा सनलाइट लेने के लिए होता है कि जहाँ सनलाइट ईजली मिल जाती है वहाँ पे पेड़ छोटे होते हैं और जहाँ सनलाइट देर से मिलती है वहाँ पे पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है अभी नहीं भाभी हम कोई गोल्ड मेडल लेने तो जा नहीं रहे ये है पहाड़ों में घर हम गोल्ड मेडल लेने तो जा नहीं रहे थे ये मेरे पीछे पीछे भगी लेंगे भागो यहाँ से करने लगे। भाई अब सामने वाले को पर्सपेक्टिव नहीं पता ना किस कारण से डांटा है आदमी यहाँ वीडियोस में देखता है कि ईमानदारी से बता रहा हूँ बहुत दिन बाद पेड़ पे लगा ये वाला गुलाब फूल देख रहा हूँ ऊपर वाला गुलाब है नहीं है ये डहेलिया है अरे अच्छा वो ये तो सिटिंग है आ जाओ उड़ जाएगी ना रुकी मैं इसको आ जाओ ये देखो बेटा बटरफ्लाई लुक सो बिग लगाओ हाथ टच करो ना हल्के से करो ना लो अच्छा मैं टच करूं उड़ क्यों नहीं रही है भैया बीमार लग रही है मुझे भी कोई बात नहीं इसको रेस्ट कर दे दीजिए झंडा लगा रखा है अपना भारत देश का झंडा वहीं बैठो वहीं आ रहे हैं जिस तरह ये भागते हुए आई थी मेरा डांटा एकदम वाजिब था घर पे नहीं हाँ तो एक मिनट से खाना शुरू करो चीटिंग
ये क्या है? और हम सब यहाँ पर मैगी खाते हुए पूरे प्रकृति का नज़ारा ले रहे हैं और आपस में छोटी 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 बातें भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून देने वाला टाइम है, तो हम लोग इसको फील कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। आप भी कुछ बोलो। तो पापा नूडल खा रहे तो, और तो फिर मामा भी खा रहे तो, मम्मा भी चाय पी रही थी और ना मैं भी नूडल खाया था और बाबू लेता था और हमारी फोटो खींच रही थे। फिर चाय और मैगी खाने पीने के बाद ये हमारी ग्रुप फोटो ली गई है जो कि हर जगह की निशानी होती है। खाई है वो इन्होंने बनाई थी, दीदी बनाई, पुष्पा नाम है दीदी का। और इन्होंने मैगी भी बहुत अच्छी बनाई थी, चाय भी बहुत अच्छी बनाई थी। थैंक यू दीदी। ये पर से जो भी बॉडी आते हैं ना, डंगर डूंगर जो भी आता है वो यही पकड़ लेता है। ये उसका घर है, ये एरिया, ये जो पूरा सा घर है। एक ही है या कई हैं? एक ही है, बाकी तो नीचे तो बहुत भरे रास्तों से होते हुए आए हैं वाटरफॉल देखने के लिए। मतलब यहाँ का रास्ता और व्यू वही है जो एनाकोंडा मूवी में लोग आते हैं और छूट जाते हैं, तो अगर हम छूटे तो हमारे साथ भी वही होना है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सा क्रोकोडाइल है, चलते हैं। टाइगर नहीं आएगा यहाँ, आ भी सकता है। हम इसको क्रॉस करके अरे भाई मोटी जल्दी आ, मैं कितना पड़ेगा तुम्हें? बाबू का पैर तो नहीं पाओगे। ओ भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। जानवर सब कुछ नहीं होता, हाँ। नेचर बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो है। इसके अंदर रिजॉर्ट आपको पता नहीं चल रहा होगा, वापस होटल आने के बाद हमारे होटल के पीछे जो कोसी नदी थी उस नदी के किनारे पे हम लोग जा रहे हैं और हमारे यहाँ आते ही ना इतना तेज बिजली कड़कना शुरू हो गया था ना, इतनी ज़्यादा तेज कि हम ना ऐसे डर गए। और फिर हमारे वहाँ गाइड लोग बोले कि नहीं अभी बिजली कड़क रहा है, प्लीज़ आप लोग आ जाइए, सेफ्टी की बात है। तो हम सब यहाँ से फिर फटाफट ऐसे दो चार क्लिक्स लेके फिर चले गए अपने होटल में। अचानक से ना बहुत तेज बारिश और बिजली आ गई थी, इसलिए हमें आना पड़ा। यहाँ से निकल रहे हैं,
और ये है विधान, यहाँ खेल रहा है। और ये जो डोम वाला था ऐसे है, हमारा रूम थोड़ा अलग था, ये रूम थोड़ा अलग है। गाइस अभी अब चल रहे हैं हम सारे लोग, ये फटाफट चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे चल रहे हैं। वीकेंड खत्म हो गया हमारा, मौसम बहुत बढ़िया है। बट मुझे चाहिए ना, यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया। और अभी हमारी फिर से शुरू हो गई लॉन्ग ड्राइव, जो मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। $450 ऐड करके समोसा गर्म करने के लिए गया अंदर, लेकिन गर्म क्या किया, भगवान जाने। नहीं तो $450 ऐड करके ज्यादा जो नीचे जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वही यूपी 25 देखा नहीं। अरे बताओ, और रास्ते में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं जिससे आपको बहुत मज़ा आता, बहुत हंसी आती है। तो ऐसा एक इंसिडेंट हमारे साथ यहाँ हो गया था। खाना खाने के लिए रुके हैं, ये है पंडित जी का शिवा ढाबा, यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं सारे लोग। ये हमारा बेटा यहाँ पे उठ गया है, छो के देख नहीं रहा है। और फिर हम ऐसे खेलते खिलाते खाते पीते हंसते अपने गुड़गांव के बहुत पास आ गए हैं। अब हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, बस उससे आधे घंटे बाद हम गुड़गांव पहुंच जाएंगे। हमारा ये ट्रिप बहुत ही बढ़िया रहा, हमें बहुत मज़ा आया। पहुंच गए हैं, ये लोग सो चुके हैं, मैं और बाबू यहाँ पे जग रहे हैं। और हमारी फिर ये वाली वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको हमारा ये ट्रिप अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, मतलब नॉर्मल डे के व्लॉग में। फिर बाय बाय।